कुछ रिसर्चर्स ने फाउंड किया है कि प्रेग्नेंट वुमेन जो नौसिया से सफर करते हैं उनको ज्यादा स्मार्ट बच्चे होने के चांसेस है। पर दोस्तों, अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल AskiGuru को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रेगनेंसी एक खूबसूरत समय होता है एक माँ और उसके बच्चे के लिए, पर साथ में एक चैलेंजिंग टाइम भी होता है और उसमें से मॉर्निंग सिकनेस सबसे ज्यादा अनप्लेजेंट एस्पेक्ट होता है प्रेगनेंसी का। एक स्टडी ने प्रूव किया है कि जो हार्मोन्स जो मॉर्निंग सिकनेस कॉज करते हैं वो सेम उसी हार्मोन से रिलेटेड है जो बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में होते हैं। डिसकम्फर्ट विद अ पर्पस, एक रिसर्च जो पब्लिश्ड हुआ था जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक्स में, उसमें ये रिवील किया गया है कि नौसिया फीलिंग तभी अकर होती है जब भी प्रेगनेंसी बच्चे का IQ हाई होता है, और जितना हायर नौसिया की इंटेंसिटी रहेगी उतना ही हायर प्रेडिक्टेड इंटेलिजेंस होने वाला बच्चा होगा। लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स, कुछ स्टडीज ने तो ये भी रिवील किया है कि मॉर्निंग सिकनेस प्रेगनेंसी के दौरान एक अच्छा साइन होता है क्योंकि वो रेट ऑफ मिसकैरेज को बहुत कम कर देता है। इसका मतलब हुआ कि मॉर्निंग सिकनेस एक तरीके का प्रोटेक्टिव फंक्शन है जो ये बताता है कि एक प्रेग्नेंट वुमेन का हार्मोन लेवल हाई इनफ है और वो मेंटेन कर सकती है प्रेगनेंसी। बट ये फर्स्ट टाइम रिवील हुआ था कि नौसिया इंडिकेट करता है कि आने वाला बच्चा बहुत स्मार्ट होगा। न्यूरोनल डेवलपमेंट एट मैक्सिमम पावर, उन बच्चों की माएँ जिन्हें मॉर्निंग सिकनेस होती है उन बच्चों का IQ टेस्ट में स्कोर हायर आता है उनके मुकाबले जिन माओं को नौसिया जैसी फीलिंग नहीं आई थी प्रेगनेंसी के टाइम पर। इसकी वजह है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन GCH इंक्रीज होना और अनोइंग मॉर्निंग सिकनेस डेवलप होना, पर उन बच्चों के लिए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं होता जो बच्चे हाई IQ के साथ पैदा नहीं हुए हैं। Everything will pass. ये स्टडी एनकरेजमेंट देती है उन महिलाओं को जो सफर कर रहे हैं मॉर्निंग सिकनेस से बिटवीन फर्स्ट वीक से 14 to 16 week तक, जो उनको नेक्स्ट लेवल या फिर सेट ऑफ सिम्टम्स के पास लेकर जाता है प्रेगनेंसी के, ड्राउजीनेस, फटीग और कभी कभी स्वेलिंग भी। तो दोस्तों, देखा ना कि कभी कभी मॉर्निंग सिकनेस होना भी प्रेगनेंसी के टाइम एक अच्छी बात है कि वो इंडिकेट करता है कि आपके आने वाला बच्चा एकदम हाई IQ वाला होगा। बट साथ साथ में आपको ऐसे टाइम पर रेस्ट लेना भी उतना ही जरूरी है। तो अगर इससे जुड़ी आपके पास और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।